भारत और बांग्लादेश के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में जारी है। इस टेस्ट मैच में भारतीय तेज गेंदबाजों का प्रदर्शन शानदार रहा। भारतीय तेज गेंदबाजों ने बांग्लादेश टीम को 149 रन पर रोककर अपनी टीम को पहली पारी के आधार पर 227 रनों की लीड दिलाई। वहीं जसप्रीत बुमराह ने पहली पारी में 4 विकेट लिए, जिसके चलते इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेट पूरे हो गए। बुमराह सबसे कम पारियों में 400 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज बन चुके हैं। बुमराह ने सिर्फ 227 पारियों में 400 विकेट पूरे किए हैं। कुल मिलाकर बुमराह छठे तेज गेंदबाज है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय मैच में भारत के लिए 400 विकेट लिए हैं। वहीं इससे पहले 5 भारतीय तेज गेंदबाजों ने 400 का आंकड़ा पार किया है। इन गेंदबाजों में कपिल देव 687 विकेट 448 पारी, चहेर खान 597 विकेट 373 पारी, जवागल श्रीनाथ 551 विकेट 348 पारी, मोहम्मद शमी 448 विकेट 245 पारी और ईशांत शर्मा 434 विकेट 280 पारी के नाम शामिल। वहीं बांग्लादेश के खिलाफ जारी मैच में बुमराह ने सदमान इस्लाम 2 रन, मुस्तफिकुर रहीम 8 रन, हसन महमूद 9 रन और तस्कीन अहमद 11 रन को आउट किया है। बता दें, इंटरनेशनल क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह के नाम अब तक 401 विकेट है। वहीं बुमराह ने 89 वनडे में 149 विकेट, 70 T20 में 89 विकेट तो वहीं 36 टेस्ट में 163 विकेट लिए हैं। भारत टीम ने अपनी पहली पारी में 376 रन बनाए थे, जिसमें अश्विन का शानदार शतक शामिल था। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।